पूरे मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान के साथ नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। समाज सेविका रितु नारंग पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रही हैं कि अपने आसपास के साथ साथ पास पड़ोसियों को इस बात के लिए जागरूक करें कि वे नशे से मुक्त हों और सेहत की ओर कदम आगे बढ़ाएं। मुरादाबाद के सिवरिया निश्चित एस एस चरण अकेडमी गर्ल्स स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्राओं को शपथ भी दिलाई गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर मधुला अग्रवाल ने इस कार्यक्रम की सराहना की और ये कहा है कि समय समय पर हम अपने विद्यालय में छात्राओं को जागरूक करने के लिए काम भी करते हैं। आज एस एस चिल्ड्रन अकेडमी गर्ल्स स्कूल मुरादाबाद में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम एवं नशा मुक्ति अभियान पर डिस्ट्रिक्ट आइकन रितु नारंग द्वारा एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने छात्राओं को बताया कि नारी आज किसी से भी कम नहीं है, बल्कि ईश्वर ने महिला को ही इतना सशक्त बनाया है कि वह ऐसे कार्य भी कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकते। महिला में ही शक्ति का एक अथाह सागर है, जो वह आज अबला नहीं वरन सबला बन चुकी है। आज समाज में नशा करने की प्रवृत्ति पूरी तरह फैल चुकी है। आज ससुर और बहू साथ में बैठकर शराब पीते हैं। हम सभी को एक साथ मिलकर इस लत को दूर भगाना होगा, अपनी छूटी संस्कृति को फिर से अपनाना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। बचपन में क्या बोला गया कि ये टाइम पर तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, भाई निकल सकता है। ये भोजन पहले भाई को दिया गया, बाद में मुझे दिया गया। उसे भैया कहना है, बिकॉज चाहे वो छोटा भी हो, पर उसे कहना है, बिकॉज ही हैज टू बी रिस्पेक्टेड, बिकॉज ही इज अ मेल ऑफ द हाउस। यस और नो? यस मैम। तो वहीं से हमारे मन में आया कि आई एम वीक, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। फिर बात क्या है, जब आपने पूछा जब बच्चे पढ़ लेंगे आप हमें क्यों मना करते हो, तो हमने कहा सोसाइटी इज नॉट सेफ फॉर यू। यस और नो? नो, टेल मी वन थिंग गर्ल्स, सोसाइटी बनाए किसने? बोलो जोर से बोलो। हमने किसने बनाए? हमने। योर आंसर सही है, किसने बनाए? हमने। तो सोसाइटी को बचपन से ही किसने सिखाया कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग फ्रॉम द हाउस ओनली? ये सुनो, शक्ति का स्वरूप एक माँ घर में है, लेकिन माँ ने ही बचपन में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, उसने ही पहले बताना शुरू कर दिया कि दिस इज गुड फॉर द बॉय एंड दिस इज गुड बैड फॉर द गर्ल। बेटे ने कोई गलती करी समझकर किसने छुपाया? हाँ जोर से बोलो मैम। मम्मी ने छुपा दिया, किसने छुपाया? पापा से, ने डांटना पिट जाए। तो वही एक कदम हुआ लड़के को खराब कर देगा, इसीलिए आज की टीजिंग बढ़ गई। यू नो इट वेरी वेल, आप कभी चलते हो सब में कभी ना कभी कोई ना कोई गलत कमेंट कहीं ना कहीं सुना होगा, राइट? यू आर पासिंग बाय, कोई भी कुछ आके खींच जाता है, या आपके कॉलोनी पास में हाथ मारने चला जाता है, वो पुरस्कार बना आपके लिए। आज 21st सेंचुरी में आज विमेन की सेफ्टी के लिए इतनी वर्किंग आज योगी जी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है, कई सारे लॉज पास हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज हमारे रूल्स में देयर वाज अ चेंज। अंत में रितु नारंग द्वारा सभी को नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। लेती हूं शपथ, लेती हूं कि जनपद मुरादाबाद को सभी प्रकार के नशे से मुक्त शहर बनाऊंगी। मैं स्वयं तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहूंगी और ना ही किसी अन्य को इसका सेवन करने दूंगी। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ये नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगी। जय जय भारत। प्रधानाचार्य डॉक्टर मृदुल अग्रवाल ने रितु नारंग को स्मृति चिन्ह स्वरूप एक पौधा प्रदान किया। लुबना दिलशाद एवं मानसी अरोड़ा ने मंच संचालन किया। विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। आज SSCA गर्ल्स स्कूल में हमारे ऑनरेबल CM द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति और नशा मुक्ति अभियान जो एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, उसके अंतर्गत एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया था डोमेस्टिक वायलेंस पर, और जिसको मिसेस रितु नारंग ने उसको होस्ट किया। उन्होंने उसके विषय में बच्चों को जानकारी दी कि हम कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और कैसे ये जो हमारी डोमेस्टिक वायलेंस है उसको बचा जा सकता है।
स्कूल स्तर से क्या प्रयास करते हैं मैडम? स्कूल स्तर से भी इसी तरह की इस टाइप के ही सेमिनार्स टीचर्स के द्वारा और बाहर से रिसोर्स पर्सन के द्वारा बुलाकर बच्चों को अवेयर कराया जाता है।